तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 11 कौन सा है भाई? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। चैप्टर 11 है आपका ऑब्वियसली साइंस क्लास 10th का। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लिया है और लाइट वाला भी चैप्टर कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत लाइट चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो कर रखा है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके ये पहले ही करा दूंगा, ठीक है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। तो कुछ आगे टॉपिक्स आने वाले हैं, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, पड़ सकती है, पड़ेगी। आई मीन इधर आ जाइए भाई, ज़रा देखो मैंने भी कलरफुल वर्ल्ड बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ एकदम है। चलो जी शुरू करते हैं बेटा। आज के हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं वो देख लीजिए। एक तो ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और उसके पार्ट्स देखेंगे, और साथ के साथ में उन पार्ट्स के हम क्या देखेंगे बेटा, फंक्शंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं। शुरू करते हैं ह्यूमन आई से। बेटा ह्यूमन आई क्या होती है? ऑब्वियसली आप जो दुनिया ये पूरी देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो? ह्यूमन आई की वजह से देख पा रहे हो। जैसे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, सबका स्पेसिफिक वर्क है। जैसे हार्ट का क्या काम है? आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम है, ठीक है। किडनी का क्या काम है? उसको फिल्टर करने का काम है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग पार्ट है, वर्क है। वैसे ही ह्यूमन आई का क्या काम है? आसपास की दुनिया को देखना, ठीक है। अच्छा पहले बेटा ज़रा इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए देते हैं। ड्रॉ दी ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड राइट डाउन दी पार्ट्स ऑफ दी आई, या फिर उसकी बेटा वर्किंग भी पूछ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट पहले एक बार ज़रा डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रीड कीजिए, द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास आई नहीं होंगी तो आप आसपास का कुछ देख ही नहीं पाओगे, और जब देख नहीं पाओगे तो चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, ठीक है। इट इज़ यूज टू सी दी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। भाई ब्यूटीफुल स्पेलिंग थोड़ी बहुत अगर एरर हो जाए तो माफ़ कर देना। अब इधर देखो, द नेचर नेचुरल फिनोमिना द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। तो बेटा हमारी आई क्या करती है, जैसे फोटोग्राफ से हम किसी चीज़ को शूट कर लेते हैं, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन आई जो है वो इंस्टेंटली आपको आसपास की चीज़ों को दिखाती है। तो बिल्कुल वीडियो कैमरा की तरह ही काम करता है। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा लाइट वाले चैप्टर में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज देखे थे, तो हमारी आईज में भी एक लेंस लगा हुआ होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरह काम होता है। कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, कैसे काम करता है, वो ऑब्वियसली अभी हम देखने वाले हैं। जस्ट लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा, जैसे कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आपको हमेशा पिक्चर्स दिखाती हैं आसपास की, वैसे ही हमारा जो आई लेंस है वो भी आसपास की पिक्चर्स को दिखाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्वियसली ये है हमारी आई, ह्यूमन आई। यहाँ पर बेटा होता क्या है, यहाँ से बेटा लाइट जो है वो अंदर एंटर करती है और आसपास की सारी चीज़ों को दिखाती है। समझ में आ गई बात या नहीं? अब अगर आप इस आई को ध्यान से देखें तो आपको कुछ अलग अलग पार्ट नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाइट वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा, फिर ये आपको ग्रीनिश होता नहीं, वो तो ऐसे ही पिक्चर में बना दिया गया है, ये आपको ग्रीनिश पार्ट नज़र आ रहा है, फिर आपको बेटा ये ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है। तो ये आई के डिफरेंट पार्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा 3D व्यू में दिखाऊं तो बेटा आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारी बेटा नर्व्स हो गई जिससे ब्लड वगैरह फ्लो सप्लाई होती है। ये बेटा आपका अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और इसके ऊपर जो कवरेज है वो अलग है। बाकी ये जो वाइट वाला आपको पोर्शन दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है। समझ में आ रही बात ये नहीं? आइए इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इसके पार्ट्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेटा देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो रफली स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा और उसको समझने की कोशिश करना। बनाने के लिए अच्छा डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो साल में एक दो बार बनाना होता है डायग्राम, बट आपको एग्ज़ाम देना तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वैसे
डायग्राम जो है मैं बना बनाया भी ले सकता था, पिक्चर लगा सकता था, बट आपको बनाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, इसलिए मैं रफ बना रहा हूँ। ठीक है, ज़रा देखिए बेटा, आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ठीक है भाई, ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया ऐसे और फिर ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की नर्व निकली रहती है। ठीक है, अब अगर आप इसको सही से देखें तो हमारा जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम बेटा बोलते हैं क्या, कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। मतलब अगर आप आई का स्ट्रक्चर देखें, आई को जब आप खोलेंगे तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये बेटा हमारी क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया बेटा क्या करती है, इसके बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। पहली चीज़ तो बेटा ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी आईज़ में आती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर वो आई मतलब फिल्टर करके, आप समझ सकते हैं एक तरीके से फिल्टर करके वो आपके आईज़ में भेजता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आपके आँख में जाती रहे तो बेटा आँखें ख़राब हो जाती हैं, और उस ख़राब होने को क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब डिफेक्ट ऑफ आईज़ के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कैटरेक्ट होता है, अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हो तो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, हमारी आईज़ में कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम यही करता है। आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग अपने फ़ोन में लेमिनेशन करवा देते हैं ना, कि उसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, कोई गंदगी पड़े तो उसको साफ़ कर दें, तो ये किसका काम होता है बेटा, कॉर्निया का काम होता है। क्लियर हो गई बात यानी। इसके बाद बेटा यहाँ पर ऐसे कुछ मसल्स रहती हैं जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इरेज या आयरेज, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, मेन है बेटा इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और बीच में बेटा यहाँ पर एक होल सा रहता है, गैप, और लाइट जो है वो इसके थ्रू ही अंदर एंटर करती है। ठीक है, इसका बेटा क्या नाम है, प्यूपिल। क्या नाम है बेटा, प्यूपिल। ठीक है, और साथ में क्या है बेटा, आयरेज। ये बेटा मसल्स होती हैं। ठीक है, इस मसल की हेल्प से इस प्यूपिल का साइज बेटा छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। अगर आपने ये वाली जो आयरेज होती है इसकी वजह से ही कुछ लोगों की आईज़ जो है वो ब्लैक होती है, कुछ का ब्राउन होता है, कुछ की हल्की सी ब्लूइश आईज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कलर कौन सा है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप बात करें लीव्स की, प्लांट की बात करें, तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बेटा ग्रीन कलर की होती हैं। आपको लग रहा है ये चैप्टर पहले से ही आता है ना, तो ध्यान तो आप ऐसे नहीं दे रहे हो जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है। अगर आप बेटा लीव देखें प्लांट की तो वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का क्या नाम है, हाँ जी बेटा, क्लोरोफिल, विच इज ग्रीन इन कलर। तो बेटा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से वो आपको लीव्स किस कलर की नज़र आती हैं, ग्रीन। वैसे ही इस पिगमेंट में अगर ब्लू कलर की मसल्स हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ब्लू कलर का नज़र आएगा, ब्राउन है तो ब्राउन, अगर ब्लैक है तो ब्लैक। लेकिन बेटा प्यूपिल हमेशा ही ब्लैक कलर का होता है, चाहे कोई भी इंसान हो। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा लाइट एंटर तो करती है बट ये कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो सब कुछ कैसा नज़र आएगा, ब्लैक। जिसकी वजह से ये जो ब्लैक वाला पोर्शन, बीच वाला जो पोर्शन है, वो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, चाहे कोई भी इंसान हो। बेटा इस प्यूपिल की अगर मैं इस प्यूपिल की बात करूं तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, ये मान लीजिए एक आई है। ठीक है भाई, एक और सेम आई बना दे रहा हूं मैं, आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो कि बीच में जो प्यूपिल है उसमें इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। अगर बेटा आप ब्राइट लाइट में आ जाओ, बाहर बहुत रोशनी है, बल्ब वगैरह या सूरज की रोशनी है, तो आपकी आईज़ में बहुत ज़्यादा लाइट एंटर कर रही होती है, तो आपको इतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आसपास में बहुत ज़्यादा लाइट है, जिसकी वजह से आपकी आईज़ क्या करती हैं, ये जो आयरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है।
छोटा होने की वजह से हमारी आईज में लाइट कम एंटर करती है, क्योंकि कम लाइट की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में लाइट प्रेजेंट है। लेकिन जब आप कभी थिएटर वगैरह में घुसते हो, अगर आप मूवी वगैरह देखने गए हो और जब आप थिएटर में एंटर करते हो तो क्या होता है बेटा, उस केस में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होगा, कुछ भी आपको सीट भी नज़र नहीं आ रही होगी, सीट का नंबर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन 2-5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपको सीटें भी नज़र आने लगी और आसपास के लोग भी नज़र आने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बाहर से अंदर एंटर करते हो तो बाहर लाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आयरिस में कम लाइट जा रही होती है। लेकिन जैसे ही आप थिएटर में जाते हो तो उस केस में लाइट बहुत कम होती है और आपकी आयरिस का साइज भी बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट आपकी आईज में एंटर नहीं कर पाती, और ज़्यादा लाइट एंटर ना कर पाने की वजह से आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। लेकिन धीरे धीरे बेटा ये आयरिस क्या हो जाती हैं, प्यूपिल का साइज़ बढ़ा देती हैं, बढ़ाने की वजह से अब आपकी आईज में ज़्यादा लाइट एंटर करने लगती है, और जब ज़्यादा लाइट एंटर करती है तो आसपास की चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। ऐसा भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि आप दिन और रात दोनों में देख पाओ। अगर आपने वाइल्ड ह्यूमन क्या आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, वो अगर आपने शुरू से एपिसोड्स वगैरह देखे हों तो उसमें जब वो जंगल में जाता है और रात में चलता रहता है, अगर उसे टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है तो बेटा वो एक आँख को बंद कर लेता है। एक आँख बंद करने से बेटा क्या होता है, जब टॉर्च वो ऑन करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा रोशनी आ जाएगी, ज़्यादा रोशनी होने की वजह से प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद जब वो अपनी टॉर्च बंद करेगा तो बेटा फिर आपको आसपास सब कुछ ब्लैक नज़र आएगा, और वो ये नहीं चाहता, इससे बेटा खतरा बढ़ जाएगा, आसपास में सांप भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, एक आँख को बंद कर लेता है। एक आँख बंद करने से बेटा एक आँख का प्यूपिल का साइज़ बड़ा ही रहता है, एक का छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो टॉर्च बंद करता है तब भी वो इन चीज़ों को आराम से देख पाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेटा वही यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे वो यूज़ करता है। बताइए क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसके बाद बेटा यहाँ पर रहता है आई लेंस। क्या रहता है बेटा? आई का लेंस, जो कि किस शेप का होता है बेटा? ऑब्वियसली अब आप देखकर समझ ही गए होंगे, कॉनवेक्स शेप का होता है, बिल्कुल प्रॉपरली कॉनवेक्स नहीं बट ऑब्वियसली कॉनवेक्स शेप का ही होता है, ठीक है। इसके साथ बेटा यहां पर कुछ मसल्स अटैच्ड होती हैं, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। सिलियरी मसल डबल है रहता है क्या? चलो कोई बात नहीं। सिलियरी मसल्स बेटा, ये सिलियरी मसल्स बेटा क्या करती हैं, ज़रा समझिए। इस मसल को जब बेटा, एक बात बताओ, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं एकदम आपको देखता हूँ, एकदम उसे देखता हूँ, एकदम दूर देखता हूँ, एकदम ऊपर नीचे इधर उधर, बेटा इतनी जल्दी लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज़ में एंटर कर रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लाइट जब यहाँ से एंटर करके जाएगा तो कभी यहाँ मिल जानी चाहिए, कभी यहाँ मिल जानी चाहिए, कभी यहाँ मिल जानी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो बेटा पिक्चर यहाँ बनी नहीं पाएगी, और अगर पिक्चर नहीं बनेगी तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा इसके लिए ऐसा ना हो कि पिक्चर बने ही ना, ये सिलियरी मसल्स बेटा क्या करती हैं, इसको कॉन्टिन्यूसली ऊपर नीचे खींचते रहती हैं। इससे होता क्या है ज़रा समझिए, जब ये इसको खींचेंगी तो बेटा ये जो लेंस है वो पतला हो जाता है, और जब ये मसल्स इसको लूज छोड़ेंगी तो बेटा ये ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये लेंस के साइज़ को डिक्रीज और इंक्रीज करने के काम आती हैं, ठीक है। इसी की वजह से बेटा आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ वहाँ देख पाते हो, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये अभी आप आगे पढ़ोगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। द पावर ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा बेटा इसके बाद जरा देखिए, ये बेटा क्या है आपकी, ये है आई बॉल। क्या है बेटा? आई बॉल। आई बॉल के अंदर बेटा जो इमेज बनती है वो यहाँ पर बनती है, ये इस वाले पोर्शन पे, और इस वाले पोर्शन को बेटा हम क्या कहते हैं बताओ ज़रा? रेटिना। क्या बोलते हैं बेटा?
रेटिना। रेटिना बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सिनेमा हॉल की पिक्चर स्क्रीन होती है ना, जहाँ पे पूरी पिक्चर वहीं पे दिखाई जाती है, तो आपकी जो इमेज बनती है बेटा वो यहीं पर बनती है आकर, ठीक है। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर दो स्पॉट्स होते हैं जिनको बेटा क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। क्यों इसको ब्लाइंड स्पॉट किया कहा जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यहां पर बेटा नर्व्स जा रही होती हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्या, ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है बेटा? ये जो यहां पर इमेज बनेगी, उस इमेज का मैसेज बेटा आपकी ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में जाकर इमेज बनती है, जिसकी वजह से उस इमेज को आप देख पाते हो या फील कर पाते हो, ठीक है। अब बेटा जरा समझिए, लाइट बेटा जो है, लाइट इस प्यूपिल से एंटर करती हुई, इसमें से एंटर करते हुए इमेज जो है वो रेटिना पे बनाते हैं, ठीक है। यहां पर इमेज बनेगी, अगर लाइट इधर से आ रही होगी तो इमेज इधर बनेगी, अगर लाइट इधर से आ रही होगी इधर से तो इमेज बेटा अगर इस वाले एरिया में बन गई तो बेटा यहाँ पर रेटिना होती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इमेज नहीं बनती। कई बार आप देखते हो बाहर निकलते हो या कोई चीज़ देखते हो, ब्लर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि लाइट जाकर कहाँ पे फॉल कर गई, आपके ऑप्टिक नर्व पर, मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे। सब कुछ बेटा कैसा हो जाता है? ब्लाइंड हो जाता है, और ब्लाइंड होने की वजह से सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, इमेज बनती ही नहीं है। इसीलिए बेटा इन पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया है? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और बैग जाएगा नहीं जाएगा? हाँ जी, ठीक है भाई। अब जरा देखिए, इस लेंस से पहले यहां पर बेटा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लेंस के और इस कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड का नाम क्या होता है बेटा? एक्वस, भाई स्पेलिंग देख लेना है, एक्वस ह्यूमर। क्या होता है बेटा? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और चलो इसको ले लेता हूं, इस आई बॉल के अंदर, मतलब इस लेंस के पीछे यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड का नाम बेटा क्या है? विट्रस ह्यूमर। क्या है बेटा? विट्रस ह्यूमर। और ये क्या है बेटा? एक्वस ह्यूमर। बेटा इन दोनों के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा मैंने एक आपका रफ डायग्राम बनाकर सारे आई के पार्ट्स और उनके फंक्शन मैंने आपको ओरली समझा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने वाला ज़रा देखते हैं। चलो एक बार इसकी, अब ज़रा इसको देखिए, क्या ये रोटेट कर पाएगी? ये बेटा ऐसा कुछ दिखता है, ये जो इधर बना दिया ना, रोटेट होगी क्या? चलो ये लो जी, ये देखो, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका बेटा लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है ना, तो ये विट्रस ह्यूमर है। इसको बड़ा कर दूं क्या? ये लो जी, समझ गए ना। ये बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर, ये है आपका क्या? आयरिस। और इसके अंदर वाला पोर्शन बेटा क्या है? प्यूपिल। उसके अंदर होता है लेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा, अब इसको हटा देते हैं भाई, इसकी जरूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गई बातें? ठीक है, बैक हो जा, ठीक है। अब जरा देख लो बेटा, अब इसको हटा दे रहा हूं, बस थोड़ा सा फील कराने के लिए मैंने एक और पिक्चर रखी हुई थी आपके लिए, ठीक है। अब आ जाइए ज़रा, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा देख लीजिए आई बॉल, आई बॉल क्या है बेटा? दी आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। ऑब्वियसली जो हमारी आई है वो किस शेप की है? स्फेरिकल शेप की, जो अभी आपको मैंने दिखाया है। हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2 to 3 centimeters, इसका जो डायमीटर समझते हो, ये अगर आई है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बेटा डायमीटर होता है,
ठीक है। डायमीटर कितना होता है बेटा, 2 to 3 सेंटीमीटर एवरेज है बेटा ये एवरेज। किसी किसी की आइज़ बड़ी होती है, किसी किसी की छोटी होती है, वो अलग बात है, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए कॉर्निया, कॉर्निया बेटा क्या होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ये क्या लिखा हुआ है, बिलिंग आउटसाइड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, छोड़ो, आउटसाइड इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। मतलब ये जो हमारी आईज है उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे जो कवरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो बेटा आई लेंस और कॉर्निया के बीच में अभी दिखाया था मैंने, लिक्विड जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। इसके बाद नोट जरा देख लीजिए, एक द कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर एक्ट एज अ लेंस एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट लाइट रेज एंटरिंग द आईज। बेटा ऑब्वियसली ये हमारा जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो भी स्फेरिकल शेप का ही है, मतलब कॉन्वेक्स शेप का है, तो बेटा यहाँ पर भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करते हुए, शायद आपको समझ में ना आए लेकिन इन लोगों को पता है रिफ्रैक्शन मतलब लाइट हमारी आईज से एंटर करते हुए हमारी रेटिना तक जाती है। तो ये बेटा क्या इसका काम करते हैं, लेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। ज़रा पानी देखा, गला सूख रहा है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बेटा पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन कर लेना बुक से भी या फिर मैं। अच्छा बेटा आयरिस एंड प्यूपिल देख लीजिए ज़रा, जस्ट बिहाइंड दी कॉर्निया दी कलर्ड डायफ्राम इज कॉल्ड आयरिस। ऑब्वियसली मैंने आपको बताई दिया था जो कॉर्निया और उसके जस्ट पीछे ऊपर मैंने बताया था आयरिस होता है, ठीक है। जैसे कि यह है बीच में प्यूपिल है और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बेटा आपकी आयरिस है, ठीक है। अच्छा इसको आगे देखिए ज़रा, देर इज़ अ होल इन अ मिडल ऑफ द आयरिस विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है। नोट करने वाली बेटा बात क्या है, आयरिस कंसिस्ट ऑफ मसल्स, मैंने आपको बताया था आयरिस मसल्स भी होती हैं इनके अंदर, ठीक है, जो कि कलर्ड पिगमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, ठीक है। कि हमारी आइज कई बार ब्लैक होती हैं, कई बार ब्राउनिश होती हैं, किसकी किसी की थोड़ी सी ब्लूइश होती है, जैसे ऐश्वर्या रॉय है। अब ज़रा देखिए इधर, The color of the eye of the person depends on the color of these pigment. तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ब्लैक कलर का प्रेजेंट है तो ब्लैक दिखेगा, अगर ब्राउनिश है तो ब्राउनिश, ग्रे है तो ग्रेइश, ठीक है। The pupil appears black because of no light is reflected by it. तो बेटा बीच में जो होल होता है उसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कैसा नज़र आता है, ब्लैक कलर का नजर आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे सारी लाइट बंद कर दूं सब कुछ ब्लैक नजर आएगा ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा जब बेटा हम लाइट बंद कर देते हैं तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगता है, और जब लाइट ऑन कर देते हैं तो सारे कलर नजर आने लगते हैं। तो बेटा ऐसा होता है क्योंकि हमारे आईज के अंदर दो सेल है, कौन कौन सी सेल है बेटा, दो सेल है बेटा, एक तो है बेटा रॉड सेल। अब ये तो पता नहीं मुझे कि ये सेल रॉड शेप की होती हैं, किस शेप की होती है, बट ऐसा बताया जाता है क्योंकि बायोलॉजी तो मैं पढ़ाता नहीं, तो रॉड शेप की होती हैं इसीलिए इनको रॉड सेल कहा जाता है, ठीक है। और इन रॉड सेल की वजह से आप सारी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देख पाते हो या फिर रात में भी चीज़ों को देख पाते हो। ये जो आउल वगैरह होते हैं या जो डॉगी वगैरह होते हैं इनके अंदर ये लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ये सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रात में बहुत क्लियर देख पाते हैं। आउल देखते हो ना, उनको दिन में नजर नहीं आता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर बेटा दूसरी वाली सेल प्रेजेंट नहीं है, जिनको हम क्या कहते हैं, कोन सेल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोन सेल। हमारे अंदर बेटा रॉड और कोन दोनों ही सेल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में भी देख पाते हैं, मतलब अंधेरे में भी देख पाते हैं, और ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं। ये बेटा वो सेल है जिसकी वजह से हम डिम लाइट मतलब अंधेरे में देख पाते हैं, ये वो सेल है जिसकी वजह से हम ब्राइट लाइट में कलरफुल चीज़ें देख पाते हो। इससे सिर्फ आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देख सकते हो, इससे आप कलर चीज़ें भी देख पाते हो, ठीक है। आपने बुल वाला कॉन्टेक्स्ट देखा होगा,
वो कहते भाई रेड कपड़ा मत पहनो, रेड कपड़े से पीछे पड़ जाते हैं, सुना ही नहीं सुना है कई बार जो बुल वगैरह होती है। बट एक्चुअल बेटा बात मैं आपको बताऊं तो उनके अंदर कोन सेल है ही नहीं, और जब कोन सेल नहीं है तो बेटा उनको सब कुछ कैसा नज़र आता है, ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। तो आपने रेड पहन रखा है या ब्लैक पहन रखा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें मारना है तो मारेंगे ही, ठीक है। तो आगे से इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। अब ज़रा देखिए, आयरिस कंसिस्ट ऑफ मसल्स, ये बताई दिया मैंने और ये भी बता दिया, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, अच्छा द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ नो लाइट रिफ्लेक्ट, ये बताई दिया पूरा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बेटा आई लेंस की बात करते हैं। देखिए सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, बट आपको लिखवाऊंगा कैसे, तो लिखवाना भी तो ज़रूरी है, तो एक बार पढ़ भी लेते हैं सारी चीज़ें, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगी। इधर देखिए ज़रा, आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, मैं आपसे वन मार्क में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ आई लेंस, तो बेटा शेप इज कॉन्वेक्स, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिब्रस सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, तो बेटा समझ गए ना, एंड जेली मेड ऑफ प्रोटीन, बेटा प्रोटीन है, उसके अंदर जो जेली होती है वो किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की होती है, किसकी, प्रोटीन की, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस बेटा इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। नाउ द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स बेटा आपको बना के दिखाई दी कि जो आई लेंस है वो सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं, और वो मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली बेटा आई लेंस की जो शेप है या साइज है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। सिलियरी मसल, बिल्कुल सही लिखी थी स्पेलिंग मैंने, सिलियरी मसल्स होल्ड ऑन द आई इन लेंस इन पोजिशन, सिलियरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ ऑब्वियसली अगर उसको पतला कर दोगे तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाएगा, और अगर उसको आपने मोटा कर दिया तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाती है। फोकल लेंथ बेटा मैं आपको सारा बताऊंगा दोबारा से चैप्टर, ठीक है। इधर देखिए ज़रा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय द आई इन लार्ज अमाउंट देन आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बताई दिया मैंने आपको, एंड रिड्यूस द साइज ऑफ प्यूपिल, बना के समझाया था अभी मैंने आपको डायग्राम। इसके बाद रिजल्टिंग द प्यूपिल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, ठीक है ये भी बता दिया मैंने आपको, फॉर्म्स क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, उससे क्या होता है क्लियर इमेज बेटा बनती है रेटिना पे कम लाइट एंटर करने की वजह से। ऑन द अदर हैंड बाकी क्या होगा, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई स्मॉल अमाउंट ऑफ द आयरिस एक्सपेंड्स द इंक्रीज या एक्सपेंड या इंक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल, अगर बेटा अंधेरा हो रहा है कम लाइट आपकी आईज में एंटर कर रही है तो बेटा प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मैंने आपको दो डायग्राम बनाकर समझाई है ये बात, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि इमेज जो है वो क्लियर आपकी रेटिना पे फॉर्म होती है। या तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है दोबारा से पूछ सकता है, हाँ जी भाई क्लियर है सारी बातें। आगे देखते हैं, कुछ और छोटी मोटी बातें रह गई ये भी देख लेते हैं ज़रा, रेटिना ज़रा देख लिए थी, द इनसाइड सरफेस ऑफ द रेयर पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना, मतलब जहाँ रेटिना रेटिना, ठीक है, मतलब जहाँ पे जाकर इमेज बनती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। द रेटिना इज डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग नेम क्या है इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो बेटा ऑब्वियसली ये सेंसिटिव सेल है जहाँ पर इमेज जाकर फॉर्म होती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दीज सेल्स दे बिकम एक्टिव एंड सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, मैंने आपको बताया ब्लाइंड स्पॉट के पास में ऑप्टिक नर्व्स होती है जहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन के पास, थ्रू द ऑप्टिक नर्व द ब्रेन इंटरप्ट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली वी सी द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा मैं आपको बता दूँ जो हमारी आईज में इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, मतलब मेरी जो इमेज बन रही है ना आप लोग ऐसे उल्टे बैठे हुए हो वहाँ पर, फिर बेटा ये मैसेज जाता है ब्रेन के पास, उसको एक बार और उल्टा करते हैं तो बेटा फिर मुझे आप दोबारा से कैसे दिख रहे हो सीधे, क्योंकि आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन वाली लाइट में कि अगर इमेज इधर बन रही है तो वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, तो आप जो मुझे दिख रहे हो वो कैसे दिख रहे हो, उल्टे, फिर ब्रेन फिर घुमा रहा है, मतलब ब्रेन जो है ना आपके साथ खेल रहा है, आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो आपको पता भी नहीं है बात, ठीक है। इधर देख लो जरा, ऑप्टिक नर्व दिस सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ द रेटिना ऑफ
इज कैरीड टू द ब्रेन बाय द नर्व्स कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये सारी बातें बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी है, बस एक बार दोबारा से देख रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट भी बता दिया था, द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई बॉल इज टोटली इनसेंसिटिव टू द लाइट। इनसेंसिटिव मतलब यहाँ पर लाइट का कोई भी काम नहीं है, इमेज नहीं बनती है। ठीक है, नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अच्छा कुछ और भी बचा है, विट्रस ह्यूमस बचा है। पीपीटी खत्म? अच्छा कोई नहीं बेटा, विट्रस ह्यूमस और बेटा विट्रस ह्यूमस ही बचा है बेटा, वो ऑब्वियसली लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमस। क्लियर हो गई बात है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आज के लेक्चर बेटा इतना ही करेंगे। आज हमने क्या देखा बेटा, सारे के सारे आई का स्ट्रक्चर देखा और उसके आई के पार्ट्स देखे और उसके फंक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली वो आपसे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिलियरी मसल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेटिना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इस तरीके से, आई डिफाइन दिस, तो आपको सारे पार्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये नोट कीजिए, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ आइज़। प्लीज़ नोट इट डाउन।